नमस्कार, सत्याग्रह डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय दुबे। आप देख रहे हैं तीन सवाल, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों पर, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। ये उतार चढ़ाव किस तरह के हैं, क्यों देखने को मिल रहे हैं और इनसे निपटने के लिए दोनों देश क्या कर रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभय शर्मा। अभी ये बताइए कि भारत और अमेरिका के संबंधों में इस समय क्या चल रहा है? क्या उन लोगों को थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है जो लोग ये चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध बेहतर हों? क्या सब कुछ ठीक नहीं है दोनों देशों के बीच? जी बिल्कुल, जो लोग चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध सही रहें, उन्हें चिंतित होने की इस समय ज़रूरत है। क्योंकि जो आप देखिए, पिछले एक साल में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं कि भारत की ये जाति है जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है या जो भी है, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। और फिर G20 में जो बैठक हुई भारत और G20 की जो बैठक थी ओसाका में जापान में, उससे जस्ट दो दिन पहले अमेरिका के जो विदेश मंत्री थी माइक पोपियो, वो यहाँ आए और उन्होंने चीज़ों को संभालने की कोशिश की। तो ये सारा कुछ जो है दिक्कत भरा है, जो George W. Bush और बराक ओबामा के समय पर नहीं था। उस समय काफ़ी अच्छे रिलेशन समय काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे और इसी डोनाल्ड ट्रंप के आते ही थोड़ा सा रिश्ते दूसरी तरह के हो गए। हाँ, दूसरी तरह के हो गए हैं। अब वो अभी भारत ने, उन्होंने हमारे एल्युमिनियम और स्टील पे टैक्स लगाया जो हम निर्यात करते हैं वहाँ। फिर उन्होंने GSP जनरलाइज्ड सिस्टम फॉर प्रेफरेंस से हमें बाहर कर दिया, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे अमेरिका में बिना टैक्स के। और उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया और उनके 28 उत्पादों पे शुल्क लगा दिया, जिसके खिलाफ अमेरिका जो है WTO में चला गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और चिंता करने की थोड़ा सा जरूरत है। तो क्या मोटा मोटा अगर देखा जाए, मोटा मोटी तो क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो वजह व्यापार है, व्यापार में समानता नहीं है, दोनों को रास नहीं आ रहे हैं व्यापारिक रिश्ते इस समय। और दूसरा ईरान एक बहुत बड़ी वजह है इसकी, कि ईरान से जब वजह वो ये है कि जब हम ईरान से तेल को आयात करते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है, और बजाय अन्य देशों के, मतलब ईरान कहीं ना कहीं व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। तो और अमेरिका ने लगा दिए हैं प्रतिबंध ईरान पे, और सब पूरी दुनिया से कह दिया है कि आप वहाँ से तेल मत लीजिए। भारत ने कई बार अमेरिका से कहा कि हमें छूट दीजिए, कुछ थोड़ा बहुत ही हम खरीद पाएं, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल बंद कीजिए। अच्छा। तो ये भारत बार बार अमेरिका से कह रहा है और अमेरिका भारत की सुन नहीं रहा है, तो इस वजह से भी रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। और कोई भी वजह है? और एक वजह है कि जो भारत डिफेंस की डील कर रहा है अन्य देशों से, रूस से, खासकर रूस से, तो वो अमेरिका को परेशान कर रहा है। अमेरिका बार बार भारत से कह रहा है कि रूस से आप जो है डिफेंस इक्विपमेंट मत खरीदिए, हथियार मत खरीदिए, और केवल हमें प्रेफरेंस दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय, इन सारी चीज़ों ने मिलकर रिश्तों को में कहीं ना कहीं कड़वाहट हल्की सी ला दी है। अबे, आपने हमारे पहले सेक्शन में बताया कि व्यापार एक बहुत बड़ी वजह है दोनों देशों के बीच कड़वाहट की, मतलब उस समय तो हमने छुआ था उस वाले सेक्शन में, क्या आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि ऐसा क्या कर दिया है व्यापार ने, इतना बड़ा क्या कर दिया कि दोनों देश एकदम से एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और इतने अच्छे रिश्ते हमारे इतने कड़वे हो गए? देखिए, व्यापार की अगर बात है तो उसका जो 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 मेन वजह है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जिससे हमारे व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा नहीं है, वो हमारा उस फिर कितना भी अच्छा वो हो, वो हमारा दोस्त नहीं रह सकता। या मतलब अगर जिससे व्यापार घाटा नहीं है तो वही हमें अच्छा लगेगा। व्यापारिक रिश्तों पे ही पूरी बुनियाद वो अपने फॉरेन रिलेशंस की रख रहे हैं, उनका ये कहना है। तो उन्होंने जब देखा, जब वो आए अमेरिका की सत्ता में, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि देखिए किससे हमारा व्यापार घाटा है, उसमें चीन सबसे ऊपर था, $350 billion से ज़्यादा व्यापार घाटा है अमेरिका का चीन से, तो उन्होंने चीन पे तमाम शुल्क लगा दिए। लेकिन भारत ने ये नहीं सोचा था कि अमेरिका उसके साथ ऐसा करेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे हैं और फिर हमारा जो व्यापार घाटा है अमेरिका से, वो हम उस सूची में, हाँ, 11वें 12वें नंबर पे हैं। मतलब हम उन्हें इस समय अगर देखा जाए, जो पिछले साल का जो आंकड़ा है उसमें हमने उन्हें $55 billion का गुड्स केवल निर्यात किया है, और उन्होंने हमें करीब $33 billion का, तो ये $22 billion का हमारा सरप्लस है, उनका व्यापार घाटा। मतलब हम ज़्यादा उनको निर्यात करते हैं, वो हमें कम। तो ये व्यापार घाटा भारत को लगा, ट्रंप साहब ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ट्रंप ने इसके बाद भी भारत के जो एल्युमिनियम और
जो स्टील था उस पर 10 और 15% टैक्स पिछली साल लगा दिया। लेकिन ये चीज़ें लोगों को लगता है कि ये सब पे लगाया इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया, या भारत सोच नहीं पा रहा था कि अमेरिका हमारे खिलाफ़ ऐसा करेगा। या वो MSP की सूची से जो बाहर निकाल हाँ दिया, हाँ या GSP की सूची से, GSP से जनरलाइज हाँ सिस्टम फॉर प्रेफरेंस से हाँ बाहर निकाल हाँ दिया। तो ये इतना आसान नहीं है कहना कि केवल ऐसे ही कार्रवाई कर दी अमेरिका ने। अमेरिका ने यूं ही कार्रवाई नहीं की है, कुछ बातें और भी हैं जिन्होंने मजबूर किया डोनाल्ड ट्रंप को। वो बातें क्या है कि कई, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ की सत्ता में आए तो वहाँ की कई इंडस्ट्रीज़ ने भारत की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जैसे कि वहाँ जो मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं की जो इंडस्ट्री है उसने शिकायत की कि भारत अपने यहाँ एकदम रेट बढ़ा दिए हैं दवाओं के हमारी, जिससे हम वहाँ के बाज़ार में टिक नहीं पा रहे हैं। वहाँ के जो जो कंपनियाँ हैं उनसे हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं उनके मतलब भारत सामने। काफी टैरिफ लेता है वैसे। हाँ, हाँ काफ़ी टैरिफ लेता है, तो इस पे भारत पे कुछ भारत से कहा जाए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है उसने भी यही शिकायत की। उसके बाद जैसे आपने सुना होगा, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमारी जो हार्ले डेविडसन जो बाइक है उस पे भारत 100% शुल्क लगा रहा है। तो ये तो सही नहीं है कि हम आपको अब GSP के तहत जो है तमाम सुविधाएं दे रहे कोई हैं, टैक्सी नहीं ले रहे हम हाँ कोई आपसे, टैक्स नहीं ले रहे और आप 100% लगा रहे हो। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा जेन्युइन रीजन उनके पास भी हाँ मौजूद हैं हाँ हमसे और नाराज होने के। हाँ और इसके बाद कुछ और भी शिकायतें हुई जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो वहाँ की कंपनियों ने कहा कि हमें जो मेक इन इंडिया जो है उसके तहत एक शर्त है कि हमारी कंपनियों के साथ मिलकर आप काम करोगे। तो उसने कहा, और वहाँ की इंडस्ट्रीज ने कहा कि इसमें हमें डर है कि कहीं हमारी बौद्धिक संपदा चोरी ना हो जाए, सिक्योरिटी नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। फिर एक शिकायत और हुई कि ई कॉमर्स के जो नियम है भारत ने अचानक बदल दिए। तो वहाँ के जो निवेशक हैं अमेरिका की जो कंपनियाँ हैं उन्होंने कहा कि ये भारत के तो जो दो सबसे बड़े ऑनलाइन हाँ रिटेलर्स हाँ हैं वो तो अमेरिका के ही हैं, हाँ फ्लिपकार्ट भी जी और जी बिल्कुल अमेज़न भी। हाँ। तो इन्होंने भी वहाँ कहा है जैसे कि अभी ये जो वॉलमार्ट का हुआ है तो इतना आसान नहीं पड़ा है वॉलमार्ट को, तो इन लोगों के आगे मुश्किलें आएंगी। फ्लिपकार्ट जो हाँ खरीदी, हाँ फ्लिपकार्ट जो खरीदा है। और इसके अलावा एक बात और भी है बहुत चर्चा में रही थी, वो वजह कि भारत ने कहा कि जो हमारे नागरिकों का डेटा है उसे आप देश से बाहर नहीं ले जा सकते हो। वो अपनी कंपनियों के लिए तो कहा ही है, अमेरिकी कंपनियों से भी कहा है, तो वो अमेरिकी कंपनियों को बहुत हंड रहा है। तो ये सारी वजह थी और इन्हें जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि यार ये हम तो इन्हें जो है भाई इतनी सहूलियत दे रहे हैं लेकिन ये हमारे इतना कंपनियों के खिलाफ सब कर रहे हैं कि हमारी कंपनियां वहाँ टिक नहीं पा रही हैं, तब उन्होंने ये GSP बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी बात है, GSP जनरलाइज सिस्टम फॉर प्रेफरेंस जिससे भारत को उन्होंने बाहर किया है, ये तो उन्होंने इससे भारत को बाहर कर दिया GSP से। और GSP के तहत देखिए लेकिन वो तो एक कंट्री का अपना डिसीजन अपना था। डिसीजन था हम देखिए। लेकिन हमने जो टैरिफ लगाया उसके बाद भारत ने उनके 28 उत्पादों पे टैरिफ लगा दिया, वो WTO के वो खिलाफ है शायद। WTO के खिलाफ है। और ये बात भी समझने की जरूरत है कि GSP को जिस तरह से भारतीय मीडिया ने दिखाया वो गलत है, ऐसे दिखाया जैसे पता नहीं भारत का कौन सा अधिकार हम अमेरिका ने वो छीन शायद लिया है। उन्होंने हमें एक सुविधा दे रखी हाँ थी जो वापस ले ली। हाँ 1971 1971 में उन्होंने एक सुविधा शुरू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अविकसित देश हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आयात कर सकें और उन्हें हम फायदा पहुँचा सकें, इसलिए उन्हें हम खुद कुछ टैक्स से छूट देंगे कुछ निश्चित उत्पादों पे और कुछ निश्चित परसेंटेज पे। तो भारत को उन्होंने 5.6 अरब डॉलर पे, पिछली साल के जो आंकड़े हैं, 5.6 अरब डॉलर के उत्पादों पे छूट दी है, और वो छूट भी बनी है 190 मिलियन डॉलर की, यानी 19 करोड़ डॉलर की। उन्होंने वो जो हमें फायदा दे रहे थे वो फायदा हटाकर उन्होंने किसी ट्रीटी या हाँ समझौते का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हमने जो 28 उनकी चीज जो हम आयात करते थे उत्पादन वहां हाँ से, हाँ हमने उनपे जो टैक्स लगाया वो हमने WTO जी का जी उल्लंघन जी किया जब है आप आपके। शुल्क लगाते हो वो चाहे अमेरिका लगाए या फिर भारत लगाए वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन होता है, WTO के नियमों का उल्लंघन होता है। लेकिन GSP जो है वो अमेरिका ने आपको सहूलियत दी थी, वो उसने आपसे उसे उस GSP की सूची से आपको बाहर करके कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ा है, वो उसने एक सहूलियत आपको दी थी, उसने उसका वापस ले इंटरनल ली। मामला था हाँ वो। तो GSP और शुल्क लगाना दोनों ही अलग बातें हैं। अच्छा हाँ लेकिन शायद भारतीय गवर्नमेंट ने 28 उत्पादों पे इसीलिए टैक्स उनके प्रेशर लगाया बनाने के कि लिए। हाँ प्रेशर बनाने के लिए, और दूसरी मीडिया ने इस तरह से दिखाया कि भारत सरकार को ये लगा होगा कि देखिए अमेरिका कहीं ना कहीं पे भारी पड़ रहा है, मैसेज गलत जा रहा है, तो इसलिए उन्हें फिर 28 उत्पाद पे शुल्क लगाना पड़ा। उन्हें मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स थी कि भाई अपने देश को ये दिखाना है कि नहीं हम भी हाँ मजबूत हाँ हैं। हाँ यही ये अबे हमारे पहले सेक्शन में आपने इशारा किया था कि रशिया के साथ हमारी जो डिफेंस डील हो रही है उसकी वजह से भी अमेरिका हमसे नाराज़ है।
तो ऐसी डिफेंस डील तो हमेशा हमारी होती रही हैं, लेकिन इस बार क्या कोई खास डिफेंस डील है या कोई खास ऐसा हमने रशिया के साथ किया है कि अमेरिका हमसे इतना ज़्यादा नाराज़ है उसको लेके? जी देखिए, S-400 जो S-400 डिफेंस मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम है रशिया का, ये इस पे अमेरिका को आपत्ति क्यों है, इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। देखिए, अमेरिका का एक मकसद है भारत को लेकर, वो समझना पड़ेगा। अमेरिका का भारत को लेकर मकसद ये है कि अमेरिका देख रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें उसे चीन लगातार जो है एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसमें चीन से उसे लगातार चुनौती मिल रही है। आर्थिक मुद्दे पे, आर्थिक उस पर तो चीन आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन डिफेंस में, सामरिक में भी वो अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है। और अमेरिका देख रहा है कि इस रीजन में हमें कहीं ना कहीं चीन को दबाने के लिए भारत को ताकतवर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए अमेरिका लगा है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा वो ताकतवर बनाए सामरिक स्तर पे, डिफेंस स्तर पे। अब जाहिर सी बात है, जब आप डिफेंस स्तर पे भारत को ताकतवर बनाओगे तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदेगा, तो अमेरिका को ये भी दिख रहा है कि भारत बहुत बड़ा हथियारों का बाजार है। और अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें भारत ने पिछले 5 सालों में भारत दूसरे नंबर पर रहा है हथियार आयात करने में, भारत दूसरे नंबर पर रहा, पहले नंबर पे सऊदी अरब है। मतलब अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वालों में दूसरे नंबर पर रहा है भारत। तो नहीं, अमेरिका से नहीं, पूरी दुनिया में जो भारत ने खरीदे हैं जी, उसमें वो दूसरे नंबर पे है। तो अमेरिका ये भी देख रहा है, तो अमेरिका इसी के तहत काम कर रहा है कि भारत को हम ताकतवर भी बनाएंगे और हमारा वो डिफेंस का मार्केट भी है। तो अमेरिका ने अब ताकतवर चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाना है, हाँ, और बाकी तो कमाने के लिए, कमाने के लिए भी भारत हमें मिलेगा। और देखिए, देखने में भी आया है, अमेरिका ने जो 2008-16 से आप देखिए, 2016 में भारत को सबसे पहले बनाया मेजर डिफेंस पार्टनर, जो उसने दुनिया में किसी को दर्जा नहीं दिया है वो भारत को दिया है। उसके बाद STA-1 स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन Tier-1 का दर्जा दिया है। इस दर्जे के तहत तमाम, मतलब भारत को वहाँ से हथियार खरीदने के लिए कोई सिग्नेचर नहीं करने पड़ेंगे, 50 डिफेंस उत्पादों पे भारत को कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने देखा कोमकासा हुआ, लेमोआ कोमकासा और एक है EBCA, ये तीन जब वो किसी को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाते हैं तो ये फाउंडेशन एग्रीमेंट होते हैं। अच्छा। और इसमें से अमेरिका ने 2 भारत के साथ कर लिए हैं। उसके बाद आपने अभी सुना होगा कि उसने ये नाटो देशों जैसा दर्जा दे रहा है, सीनेट में बिल पास हो गया है। तो ये सारे जो वो बिल जो भारत के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि भारत को कहीं ना कहीं भारत के लिए सारे दरवाजे खोल दे वो, अब भारत को कोई तकलीफ ना हो, उसे आराम से हथियार बेच सके। मतलब डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका भारत को कई तरह की सुविधाएं दे रहा है। हाँ, और वो उससे चाह रहा है कि अब ये हमसे हथियार खरीदें। हाँ, लेकिन भारत वो कई हथियार खरीद रहा है रशिया से। हाँ, हाँ, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक है ये S-400 डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी जी, उससे क्या आपत्ति? देखिए, आपत्ति ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर हो जाए, लेकिन भारत थोड़ी ये चाहेगा कि वो केवल अमेरिका पे निर्भर हो, उसे तो रूस को भी देखना है। भले चीन से 20 दिक्कतें हैं, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी होता है, उसे चीन को भी देखना, उसे फ्रांस से भी हथियार खरीदने, स्वीडन से भी खरीदने। तो अब अमेरिका को रूस को देखना है। अब देखिए हुआ क्या, भारत को रूस से भी खरीदना है, तो भारत ने S-400 मिसाइल जो डिफेंस प्रणाली जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो रूस से खरीदा, और वो सबसे एडवांस भी है, बहुत एडवांस है। और रूस से क्यों खरीदा उसका भी बताया आपको कि 2008 से 12 तक भारत ने जितने हथियार अमेरिका से खरीदे थे उसका 500 गुना ज्यादा हथियार, 500% ज्यादा हथियार, मतलब 5 गुना ज्यादा, हाँ 5 गुना ज्यादा हथियार 2013 से 18 तक खरीदा है। और उस बीच रूस का 20% हथियार रूस से खरीदना कम हुआ है। मतलब इस दौरान पिछले कुछ समय में अमेरिका से 5 गुना ज्यादा हथियार खरीदे हैं, हाँ, भारत ने, और रूस से 20% कम हो गया है। तो रूस भी ये देख रहा है कि आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार के खरीदार बने हो लेकिन हमसे कम हो रहा है। तो रूस देख रहा है पाकिस्तान की तरफ, वो अपनी कमी की कहीं ना कहीं भरपाई करेगा, जो हथियार उसके कम बिक रहे हैं भारत कम ले रहा है, तो वो देख रहा है पाकिस्तान की तरफ। और यही भारत की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसे रूस से भी संबंध बनाए रखना है, तो इसलिए उसने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है वो रूस से खरीदी। अब अमेरिका को ये क्यों हट रही, इसका भी एक कारण है, इसके एक क्या, इसके कई कारण है। अमेरिका को सबसे बड़ी वजह तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी रहे हैं, हर कोई जानता है, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये 40,000 करोड़ की डील है, अगर ये हमारे साथ होती तो इतना पैसा हमारे यहाँ आता, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा उन्हें ये लग रहा है कि उनका जो थार्ड सिस्टम है, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के जैसा है। अच्छा। तो फिर उसे कोई नहीं पूछेगा,
जब S400 ही हर कोई खरीदेगा तो फिर हमारी चर्चा कहीं होगी नहीं, S400 की चर्चा होगी, एक ये दिक्कत है। और इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है, अमेरिका एक बना रहा है फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान, वो F-35 जी, वो पांचवें दर्जे का लड़ाकू विमान है और कहा जा रहा है कि वो दुश्मन की रडार में नहीं आएगा। लेकिन जब S-400 की बात होती है तो कहा जाता है कि S-400 में वो ताकत है कि वो F-35 लड़ाकू विमान को मार गिरा सकता है। तो अमेरिका ने, अब तो अमेरिका इस वजह से नहीं चाहता है कि कोई S-400 खरीदे, हाँ, तो उसने इसके लिए कोई कानून भी बनाया शायद अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में काटसा एक कानून बना है, उसमें उन्होंने कई रूसी हथियार रखे हैं कि अगर ये कोई देश खरीदेगा तो उस पर वो प्रतिबंध लगा देंगे, और उन्होंने भारत को उसमें S-400 भी शामिल, S-400 भी शामिल है, तो वो ये चाहते हैं कि भारत ना खरीदे। हाँ, भारत ना खरीदे। अच्छा, भारत क्या कह रहा है? भारत ने साफ कह दिया है कि हम खरीदेंगे, हमें आपसे तो रिश्ते रखने ही हैं, लेकिन हमें रूस को भी देखना, जो हमेशा से हमें हमारा पार्टनर रहा है, विश्वसनीय पार्टनर रहा है। तो अब क्या चल रहा है दोनों में, कुछ सुलह सफाई की बातें चल रही है? देखिए, दोनों में सुलह वही बातचीत चल रही है, S-400 पे भी बातचीत चल रही है, और जो व्यापारिक स्तर पे जो हमने पहले बात की, व्यापार स्तर पे भारत अमेरिका से लगातार कह रहा है कि आपको, आपका जो व्यापार घाटा है, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वो है, हम उसे पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम आपसे तेल खरीद रहे हैं, ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं, ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि वो, हम जो व्यापार घाटा आपका है वो पूरा हो जाए। लेकिन अब बात यही है कि मतलब भारत कह रहा है कि टैक्स से पूरा ना करें, हम खरीद के पूरा करेंगे, हम खरीद के व्यापार घाटा पूरा करेंगे, जितना हम आपको निर्यात करते हैं उतना ही कम से कम कोशिश करेंगे, आप भी उतना ही हमें आयात कर दो। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर देखिए, बात जाहिर सी है, डोनाल्ड ट्रंप को ये सोचना चाहिए था कि उन्होंने अचानक एल्युमिनियम और स्टील पे प्रतिबंध लगा दिया, तो उन्हें भी अब एक कदम पीछे बढ़ना है, प्रतिबंध का टैक्स लगा दिया आयात उस पे, एल्युमिनियम और स्टील पे, तो उन्हें ये सोचना है, उन्हें भी एक कदम बढ़ना है, फिर भारत को भी जो अमेरिकी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में सोचना है, और उस पे जो उनकी तकलीफें हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा, दोनों को एक एक कदम पीछे बढ़ना पड़ेगा। अभी तक की स्थिति ये रही है कि भारत को अमेरिका से ज्यादा फायदा रहा है, हाँ, अमेरिका को भारत से उतना फायदा नहीं रहा है, न तो सामरिक दृष्टि से हमने उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया है और न आर्थिक दृष्टि से। जी जी, तो ये था आज का 3 सवाल। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।